सूत जी कहते हैं, महर्षियों, माया मोहित नारद मुनि उन दोनों शिव गणों की यथोचित शाप देकर भगवान शिव के इच्छावश मोह निद्रा से ना जाग सके। भगवान विष्णु के किए हुए कपट को याद करके मन में दुस्सह क्रोध लिए हुए विष्णु लोक को गए और समिधा पाकर प्रज्वलित हुए अग्निदेव की भांति क्रोध से जलते हुए बोले। उनका ज्ञान नष्ट हो गया था, इसलिए वे दुर्वचन पूर्ण व्यंग सुनाने लगे। नारद जी ने कहा, हरे, तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो और समस्त विश्व को मुंह में डाले रहते हो। दूसरों का उत्साह या उत्कर्ष तुमसे सहा नहीं जाता। तुम मायावी हो, तुम्हारा अंतःकरण मलिन है। पूर्व काल में तुम्ही ने मोहिनी रूप धारण करके कपट किया, असुरों को वारुणी मदिरा पिलाई, उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। छल कपट में ही अनुराग रखने वाले हरे, यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष ना पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उससे समाप्त हो जाती। विष्णुदेव, कपटपूर्ण चाल तुम्हें अधिक प्रिय है, तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, तो भी भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है। तुम्हारी इस चाल ढाल को समझकर अब वे पश्चाताप करते होंगे। अपनी वाणी रूप वेद की प्रामाणिकता स्थापित करने वाले महादेव ने ब्राह्मण को सर्वोपरि बताया है। हरे, इस बात को जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी ऐसा कर्म नहीं कर सकोगे। अब तक तुम्हें किसी शक्तिशाली या तेजस्वी पुरुष से पाला नहीं पड़ा था, इसलिए आज तक तुम निडर बने हुए हो। परंतु विष्णु, अब तुम्हें अपने करने का पूरा पूरा फल मिलेगा। भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न हो उठे और शाप देते हुए बोले, विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम इसी तरह से सबको मुंह में डालते रहते हो। यह कपटपूर्ण कार्य करके तुमने जिस स्वरूप को मुझे संयुक्त किया था, उसी स्वरूप से तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुख बनाया था, वे उसी के समय तुम्हारे सहायक हों। तुम दूसरों को स्त्री विरह का दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो। अज्ञान से मोहित मनुष्य के समान तुम्हारी स्थिति हो। अज्ञान से मोहित हुए नारद जी ने मोह व श्री हरि को जब इस प्रकार का शाप दिया, तब उन्होंने शंभु के माया से प्रशंसा करते हुए उस शाप को स्वीकार कर लिया। तदनंतर महलीला करने वाले शंभु ने अपनी उस विश्व मोहिनी माया को, जिनके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए थे, खींच लिया। उस माया के तिरोहित होते ही नारद जी पूर्ववत शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए। उन्हें पूर्ववत ज्ञान प्राप्त हो गया और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। इससे उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे अधिकाधिक पश्चाताप करते हुए बारंबार अपनी निंदा करने लगे। उस समय उन्होंने ज्ञानी को भी मुंह में डालने वाले भगवान शंभु की माया की सराहना की। तदंतर यह जानकर कि माया के कारण ही मैं भ्रम में पड़ गया था, यह सब कुछ मेरा माया मोह जनित भ्रम ही था, वैष्णव शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरण में गिर पड़े। भगवान श्री हरि ने उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। उस समय अपनी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वे यूं बोले, नाथ, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने आपके प्रति बहुत दुर्वचन कहे, आपको शाप तक दे डाला। प्रभु, उस शाप को भी आप मिथ्या कर दीजिए। हाय, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अब मैं निश्चित ही नरक में पड़ूंगा। हरे, मैं आपका दास हूँ, बताइए मैं क्या उपाय कौन सा प्रायश्चित करूँ जिससे मेरा पाप समूह नष्ट हो जाए, मुझे नरक में ना गिरना पड़े। ऐसा कहकर शुद्ध बुद्धि वाले मुनि शिरोमणि नारद जी पुनः भक्तिभाव से भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था। तब विष्णु भगवान ने उन्हें उठाकर मधुर वाणी में कहा, तात, खेद ना करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इसमें संशय नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सुनो, उससे निश्चय ही तुम्हारा परम हित होगा, तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने मत से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी, उसकी अवहेलना कर दी थी,
उसी अपराध का भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा फल दिया है, क्योंकि वे ही कर्म फल के दाता होते हैं। तुम अपने मन में ही दृढ़ निश्चय कर लो कि भगवान शिव की इच्छा से ही सब कुछ हुआ है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्व को दूर करने वाले हैं, वे ही पर ब्रह्म परमात्मा हैं। उन्हीं का सच्चिदानंद स्वरूप से बोध होता है। वे निर्गुण हैं और निर्विकार हैं, सत्व रज और तम ये तीनों गुणों से परे हैं। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण वे ही हैं। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है और वे ही परमात्मा महेश्वर पर ब्रह्मा अविनाशी अनंत और महादेव आदि नाम से जाने जाते हैं। उन्हीं की सेवा से ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा हुए हैं और मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। वे स्वयं ही रुद्र रूप से सदा सबका संहार करते हैं। वे शिव स्वरूप के सबके साक्षी हैं। माया से भिन्न और निर्गुण हैं। स्वतंत्र होने के कारण वे इच्छा के अनुसार चलते हैं। उनका विहार आचार व्यवहार उत्तम है और वे भक्तों पर दया करने वाले हैं। नारद मुनि, तुम्हें एक सुंदर उपाय बताता हूँ जो सुखद समस्त पापों का नाशक और सदा भोग एवं मोक्ष देने वाला है। तुम उसे सुनो। अपने सारे संशयों को त्याग कर तुम भगवान शंकर के सुयश का गान करो और सदा अनंत भाव से शिव के सतनाम स्त्रोत का पाठ करो। मुने, तुम निरंतर उन्हीं की उपासना और उन्हीं का भजन करो, उन्हीं के यश को सुनो और गाओ तथा प्रतिदिन उन्हीं की पूजा अर्चना करते रहो। नारद, जो शरीर मन और वाणी द्वारा भगवान शंकर की उपासना करता है उसे पंडित या ज्ञानी जानना चाहिए, वह जीवांत मुक्त कहलाता है। शिव इस नाम रूपी दावन नल से बड़े बड़े पातकों के असंख्य पर्वत अनायास भस्म हो जाते हैं। यह सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। जब भगवान शिव के नाम रूपी नौका का आश्रय लेते हैं वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। संसार के मूलभूत उनके सारे पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। महामुनि, संसार के मूलभूत जो पातक रूपी वृक्ष हैं उनका शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो लोग पाप रूपी दावा नल से पीड़ित हैं उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पाप दावाग्नि से दग होने वाले प्राणियों को उस शिव नाम अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती विद्वानों ने यही निश्चय किया है कि भगवान शिव की पूजा ही उत्कृष्ट साधन और जन्म मरण रूपी संसार बंधन के नाश का उपाय है। आज से यत्नपूर्वक सावधान रहकर विधि विधान के साथ भक्ति भाव से नित्य निरंतर जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर सदाशिव का भजन करो, नित्य शिव की कथा सुनो और कहो, और अत्यंत यत्न करके बारंबार शिव भक्तों की पूजा करो। मुनिश्रेष्ठ, अपने हृदय में भगवान शिव के उज्ज्वल चरणार बिंदु की स्थापना करके पहले शिव के तीर्थों में विचरो। मुने, इस प्रकार परमात्मा शंकर के अनुपम महात्म का दर्शन करते हुए अंत में आनंदवन काशी को जाओ। वह स्थान भगवान शिव को बहुत प्रिय है। वहां भक्तिपूर्वक विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन करो। विशेषतः उनकी स्तुति वंदना करके तुम निर्विकल्प हो जाओगे। नारद जी, इसके बाद तुम्हें मेरी आज्ञा से भक्तिपूर्वक अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए निश्चय ही ब्रह्मलोक में जाना चाहिए। वहां अपने पिता ब्रह्मा जी के विशेष रूप से स्तुति वंदन करके तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक हृदय से बारंबार शिव महिमा के विषय में प्रश्न करना चाहिए। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वे तुम्हें बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर का महात्म तथा सतनाम स्त्रोत सुनाएंगे। मुने, आज से तुम शिव आराधना में तत्पर रहने वाले शिव भक्त हो जाओगे और विशेष रूप से मोक्ष के भागी बनो। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस प्रकार प्रसन्न चित्त हुए भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर श्री शिव का स्मरण वंदन और स्तवन करके वहां से अंतर ध्यान हो गए।